Hello, students, welcome back to the Crush Cambridge School online classes. How are you all? I hope that all of you must be fine and safe. This is Nisha Ma'am on this side, and this is the class 14th. Our subject is English. Okay, I'm your English teacher, I'll be teaching you English. so today we will be discussing the remaining part of your this chapter which is chapter number six what is amiss with us this chapter we have discussed in the previous video also I hope that you remember देखिए बेटा आपका topic जो given है आपको यहाँ पे okay what is amiss with us दिख रहा है आपको amiss amiss मतलब ये नहीं एक लड़की okay amiss मतलब है wrong हमारे साथ क्या गलत हो रहा है ओके okay. क्या गलत है हमारे साथ दिस इज़ अस यहाँ पे जो मीनिंग है वो यही है कि आपके साथ क्या गलत है या आपकी थिंकिंग में क्या गलत है वो चीज़ है यहाँ पे. डिड यू गॉट द मीनिंग फाइन इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द ब्रेन ड्रेन कॉन्सेप्ट क्यों हमारे देश से जो टैलेंट है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है ओके okay. दीज थिंग्स आर हैपनिंग आपके सामने भी होता है हमारे सामने भी होता है दैट्स फॉर श्योर एंड वाई इफ इंडियंस आर सो इंटेलिजेंट इतने बुद्धिमान हैं तो क्यों दूसरी कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं वाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग क्यों हम लोग बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगाते हैं और हमारे देश से जो है चीज़ें बाहर कम जाती हैं ओके okay, समझ गए मतलब हम जो चीज़ें बाहर भेजते हैं वो कम है बट हम दूसरी जो कंट्रीज हैं उनसे सामान ज़्यादा मंगाते हैं दैट इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट समझ गए आप कि हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं ओके okay? और इम्पोर्ट हम कम कर रहे हैं समझ गए आप बात ठीक है नाउ लेट्स सी वॉट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस टुडे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे चलिए देखते हैं लेट्स लुक एट द स्क्रीन फर्स्ट ओके अभी तक हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंडियन इंटेलेक्ट हियर आई एम हैविंग योर बुक यू कैन ऑल्सो टेकआउट दिस बुक गोल्डन रेस एंड वे डिस्कस अबाउट द इंडियन इंटेलेक्ट कम ऑन पेज नंबर सेवेंटी सिक्स किस कौन से पेज नंबर पे आना है सेवेंटी सिक्स पेज नंबर पे आ जाइए सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस टूडे वी विल डिस्कस फ्रॉम हियर

बहुत बड़ी जर्नी हो सकती है या एक छोटी सी वॉक हो सकती है एग्जाम्पल्स हैं आगे रिलेट करने की कोशिश करना एक फीस्ट हो सकता है फीस्ट मतलब दावत या एक मेला हो सकता है एक छोटी सी मीटिंग हो सकती है या एक बहुत बड़ी गैदरिंग हो सकती है एक सीरियस स्टडी हो सकती है जिसमें आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो या एक आपका लेजर हार हो सकता है जिसके अंदर आप खुद को पैम्पर कर रहे हो जो आपको मन करता है वो आप कर रहे हो Most of us exhibit crass ignorance of minimum basic human decencies. बात क्या हो रही है कि हम सब human decencies जो हैं हमारी basic human decencies उनको हम ignore करते हैं। It means that दूसरे लोगों की feelings को इच्छाओं को हम कुछ नहीं समझते हम उन्हें करते हैं proper ignore। uh, If I give you पर्सनल एग्जाम्पल द थिंग इज लाइक दैट इफ समन इज स्टेइंग इन हिज और हर होम कोई किसी फ्लैट में रह रहा है जैसे मैम फ्लैट में रहती कोई और भी हमारे साथ रह रहा है अगर वो बहुत तेज़ आवाज़ में गाने चला रहा है ठीक है इट्स ओके okay, मुझे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होगी दैट्स फॉर श्योर होगी बट मैं क्या करूँगी मैं डोर क्लोज कर लूँगी और देर इज़ वन ऑप्शन दैट आई कैन गो एंड फाइट बट वाई आई विल गो एंड वेस्ट माई टाइम लेट जस्ट सी हो सकता है एक ही बार चलाया हो दैट्स फाइन बट दट टाइम वेन दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स क्या वो एक बार भी सोचते हैं कि दूसरे को कोई प्रॉब्लम हो सकती या नहीं किसी का मूड खराब हो सकता है या नहीं हो सकता है वो जो साउंड प्ले कर रहे हैं उससे भी तबीयत खराब हो मेरे को माइग्रेन होने लगे मुझे हेडपेन होने लगे या हो सकता है मेरी तबीयत पहले ही खराब हो और उस वॉइस को सुन के मुझे बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो दे are in their पार्टी मूड बट आई एम नॉट सो दिस इज अबाउट द बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज इनको कहते हैं बेटा बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज जिसमें कि आप दूसरे लोगों के बारे में भी सोचें ये आपके लिए भी है मेरे लिए भी है सबके लिए है कि हम दूसरे लोगों के बारे में सोचें कुछ भी कहने से पहले कुछ भी करने से पहले एक बार जरूर सोचें समझ गए कि हम जो हैं वी डोंट पे Any attention to the feelings of the others. We care only about ourselves. And this is so wrong. We should not do all these things. But after reading this chapter, Aap bhi ho jayenge, maam bhi ho but agar in chapters ko kar, after reading this chapter, if you are getting something, if you are getting some objective, some rules, some regulations in your life, this book is a wonder to you. Okay? लेट एस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आर सोशल बिहेवियर एंड कल्टिवेशन ऑफ सिविक सेंस एक कहते हैं ना बेटा आपके अंदर बेसिक कॉमन सेंस वो वाली बात हो रही है कैसे हम लैक कर रहे हैं हमारे सोशल बिहेवियर में और कहाँ पे हम चूक रहे हैं हमारे सिविक सेंस को डेवलप करने में ये जो बेसिक कॉमन सेंस है उसको डिवेलप करने में कहाँ पीछे रह गए पहले uh, के टाइम इफ यू कम्पेयर द बोथ द टाइमिंग्स टुडे तो द जनरेशन इज अबव एवरीथिंग पहले ना व्हाट्सएप हुआ करता था ना फेसबुक ना आप कह सकते हैं इंस्टा हुआ करता था कुछ नहीं हुआ करता था ना यूट्यूब हुआ करता था पीपल यूज़ टू मीट ईच अदर दे यूज़ टू गैदर टुगेदर है ना गैदर करते थे बातें करते थे दे यूज़ टू शेयर देयर फीलिंग्स क्या होता था सोशलाइजेशन होता था अब अभी भी आप लोग सोशलाइज़ करते हो करते हो ना भाई सोशल वेबसाइट्स पे जाते हैं हमारे बहुत फ्रेंड्स हैं थाउजेंड फ्रेंड्स है जिंदगी में एक भी ना फेसबुक पे थाउजेंड फ्रेंड्स हैं क्या है कोई सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है आपका दे आर योर वर्चुअल फ्रेंड्स यू नॉट इवन नो कि वो है भी कि नहीं ओके सो दिस इज वॉट आई एम सेंग ये ह्यूमन डिसेंसीज हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं थिंकिंग अबाउट अदर्स डीज आर द थिंग्स वी आर फर्गेटिंग गॉट इट थोड़ा ज्यादा हो गया लेक्चर बट टॉपिक को साथ लेते हुए चलेंगे तो ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल मैडम का टॉपिक आ गया है ना मैडम का टॉपिक आ गया है यहाँ पे ओके ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स ठीक है साउंड की यूनिट है डेसिबल कि ह्यूमन जो हेयर है जो ह्यूमन के कान हैं जो आप सबके कान हैं ये आवाज़ सुनने के लिए रिसीव करने के लिए है और नॉर्मल रेंज तक की हम वॉइस आराम से सुन सकते हैं सबको पता है ना ये बात भाई साइंस भी पढ़ते हो तो इतना तो पता ही होगा आप लोगों को नॉर्मल रेंज की वॉल्यूम हम सब सुन सकते हैं साउंड रिसीव बियॉन्ड दैट मेजर्स वुड नॉट ओनली बी चारिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू अर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स ठीक है कि ये जो साउंड है ठीक है जो आप अभी आप क्या कर रहे हैं आप अपनी जो नॉर्मल रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप गाने चलाएंगे ठीक है दैट्स गुड दैट्स फाइन थम्स अप बट किसी और के लिए हो सकता है वो हियरिंग पेन हो समझ गए सो so, हम क्या है हम ह्यूमंस हैं हमारी एक नॉर्मल हियरिंग रेंज है उसी तक हम सुन सकते हैं बट अगर आप उस हियरिंग रेंज से ज़्यादा म्यूजिक चलाते हो तो क्या होगा वो डैमेज कर सकता है आपके हियरिंग ऑर्गन्स को साइंस की बात नहीं हो रही है साइंस की बात हो भी रही है तो दिस इज गुड ठीक है हमने अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में पढ़ा टीचिंग अक्रॉस करिकुलम सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इंटरवोवन है ठीक है रिलेट करने की कोशिश करो हाउ मैनी ऑफ आस टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क नोट दिस क्वेश्चन मार्क ओके जस्ट गिव मी अ सेकेंड या ये रहा भाई क्वेश्चन मार्क नहीं आया क्वेश्चन मार्क ओके यर इज द क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क जिंदगी बदल सकता है किसी की भी क्या आप लोग सब इस बात को टेक केयर करते हो वॉल्यूम चलाने से पहले एक बार सोचते हो म्यूजिक चलाने से पहले एक बार सोचते हो कि दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है या नहीं वो एवो ना हम सोचते हैं ना कोई सोचता है तो कोई नहीं सोचता तो हम क्यों सोचेंगे दिस इज द थिंग सो हाउ मैनी ऑफ आस टेक केयर ऑफ दिस नो नो वन कोई नहीं केयर करता इट मे बी अ टी वी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट आई होप आपको दिख रहा हो टेक्स्ट uh, दिख रहा हो आपको जस्ट गि मे अ सेकेंड या रेडियो ब्रॉडकास्ट प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर और एनी इंस्ट्रूमेंट ठीक है टेप रिकॉर्डर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इवन अ गोसिप और अ चेट चैट इन अ कंपनी ठीक है बात कर लेते हैं हम कोई आप टीवी प्रोग्राम चला रहे हो ठीक है या कोई रेडियो ब्रॉडकास्ट चला रहे हो रेडियो चल रहा है ठीक है या आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हो आपका फेवरेट प्रोग्राम है या आप कोई टेप रिकॉर्डर प्ले कर रहे हो या आप कोई और इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो या आप सिर्फ और सिर्फ गॉसिपी कर रहे हो चिट चैट कर रहे हो अपनी कंपनी में आपके फ्रेंड्स वगैरह घर पर आए हुए हैं आप उनके साथ चिट चिट चैट कर रहे हो उनके साथ बातें कर रहे हो ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच और ये सब चीज़ें बिल्कुल हाई पिच पर हो रही है ऑल दीज थिंग आर हैपनिंग ऑन अ वेरी हाईअ पिच लंबी पिच पर बड़ी पिच पर बड़ी वॉल्यूम पर ये सब चीजें हो रही हैं वी मे बी यूज टू इट बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस द थिंग इज दैट कि जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल है आपको लग रहा है दैट इट इज नॉर्मल फॉर यू अगर मैं तेज़ आवाज़ में गाना बजा रहा हूँ तेज़ आवाज़ में गाना सुन रहा हूँ तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है बट क्या आप सोचते हो कि आपके आसपास रहने वाले लोग कितने ज़्यादा इफेक्ट हो रहे होंगे डू यू थिंक अबाउट दिस नो नान ऑफ फर्स्ट थिंक अबाउट दिस इफ यू आर सेग यस ऑल ऑफ यू आर लाइंग बिकॉज नॉन ऑफ फर्स्ट थिंक अबाउट द अदर्स वी थिंक अबाउट ओनली अस ओनली आर प्लेजर ओनली आर थिंग्स आर नेबर्स मे बी अ सीरियस स्टूडेंट हमारा नेबर जैसे मैं हूँ आई एम अ सीरियस स्टूडेंट्स आई लाइक डूइंग स्टडीज़ आई मैनेज माय होम आई मैनेज माय जॉब आई मैनेज माय स्टडी कुछ टाइम मैं वीडियोस बनाती हूँ कुछ टाइम मैं अपने घर को देती हूँ कुछ टाइम मैं अपनी पढ़ाई को देती हूँ तो मेरा पूरा दिन बिजी है इन चीज़ों से रिलेटेड है ठीक है मैं क्या हूँ मुझे जब मैं पढ़ रही हूँ वेन आई एम स्टडिंग आई डोंट वॉन्ट एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन नो हाई वॉल्यूम हाई वॉल्यूम में आप पढ़ ही नहीं सकते हैं सो योर नेबर में सीरियस स्टूडेंट हो सकता है कोई सिक पर्सन कोई बीमार इंसान हो सकता है जिसको किसी भी तरीके की बीमारी हो ही मस्ट बी अ हार्ट पेशेंट और यू कैन से अ हाई बी पी पेशेंट वट एवर कैन बी द एग्जाम्पल ठीक है और अ पीस लविंग बी इन सब चीज़ों में नहीं भी हो कोई स्टूडियस स्टूडेंट uh, ना हो या हो सकता है कोई उसको हेल्थ इशू ना हो फिर भी वो क्या हो कोई पीस लविंग इंसान हो जो आराम से रहना पसंद करता है और जिसको ज़्यादा आवाज़ पसंद ना हो कुछ उस तरीके का इंसान हो हैव वी एवर थाट ऑफ हिम क्या हमने कभी उनके बारे में सोचा है कि उन्हें कैसा लग रहा होगा अब आप सोचेंगे मैम गाना चलाने में इतनी प्रॉब्लम है भाई प्रॉब्लम तो है ना क्यों गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि स्कूल के पास में मैरिज गार्डन या किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे में जिसमें कि हाई वॉल्यूम हो या किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो समझ गए मेरी बात क्यों बनाया है ये रूल ताकि आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ सको पढ़ाई इज नॉट इजी जॉब यू विल हैव टू गिव यू हंड्रेड परसेंट ईच एंड एवरी टाइम सो गॉट इट क्या आप उनके बारे में सोचते हो नो ओके हाउ मच एग्नी डू वी कॉज टू हिम और हा कितनी एग्नी कितना हर्ट हम उनको करते हैं हमें पता भी नहीं जाता समाइम पीपल गो एंड फाइट सम दे सिट साइलेंटली दे इग्नोर पहली बार इग्नोर दूसरी बार इग्नोर तीसरी बार इग्नोर 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 और दूसरा इंसान क्या होता है वो सोचता है इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो चीज़ वो करता चला जाता है करता चला जाता है अगर आप इग्नोर कर रहे हैं कब तक आप इग्नोर कर लेंगे एक दिन दो दिन पाँच दिन सात दिन दस दिन उससे ऊपर तो नहीं कर पाएंगे फिर तो आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा सो so हियर ये बात नहीं है कि आज आपने हाई म्यूजिक चला लिया और एक्सपीरियंस कर रहे हैं नो द थिंग इज दैट बिफोर डूइंग एनी जेस्चर बिफोर डूइंग एनी थिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर अदर्स जस्ट थिंक ट्वाइस दो बार सोचना समझ गए या द नेबर बींग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज़ नॉट क्वरल विथ अस एंड सफर्स इन साइलेंस बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई कि जो नेबर होगा वो या तो बिल्कुल शांत स्वभाव का होगा उसको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं होगा तो वो क्या करेगा वो साइलेंस में रहेगा वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा द पुअर फेलो शट्स द विंडो एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन एज ईयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द हाई पिचड नॉइस सेम सिचुएशन आप इमेजिन कर लो आप बहुत तेज़ वॉल्यूम है आप क्या करते बहुत अच्छे स्टूडेंट है आपके एग्जाम्स आने वाले हैं आप क्या करोगे कॉटन पुट कर लोगे अपने कान में जिससे क्या होगा कि हाई पिच की जो नॉइस है वो थोड़ी कम हो जाएगी मतलब इंसान की अपने कान है उसका अपना घर है बट उसके पास इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो किसी को जाके ये कह सके कि वाई यू आर प्लेइंग दिस साउंड इन सच अ हाई वॉल्यूम वो क्या करेगा ईयरपुट कर लेगा सॉरी uh, ईयरपुट नहीं कॉटन uh, पुट कर लेगा अपने कान में ताकि जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए इट मीन्स इज़ हिज जुगाड़ गॉट इट यू गॉट वॉट आई एम सेंग द मेन मोटिव इज दैट यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट अदर्स we shall uh, yes we shall we learn the simple civic sense when shall we learn the civic sense kab hum ye common sense jaan payenge samajh payenge kaise aage badhenge how we will inculcate all these basic sense in ourselves how we will change ourselves this is the question here so today we will be reading till here only now, what you will do, what will be your question? So, let me give you some assignments. Just note down the question. Question one: hmm. Why noise pollution is harmful? अब इसको साइंस के बेसिस पर मत लिख देना बिल्कुल ऑन योर सिविक सेंस यूज करके यूज करके लिखना है वाई नॉइज पॉल्यूशन इज हार्मफुल समझ गए कि वॉइस नॉइज पॉल्यूशन क्यों हार्मफुल है हमारे लिए ये जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड नोट डाउन अ सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो क्वेश्चन नंबर टू डू यू थिंक अबाउट others. In respect to the chapter, in respect to the chapter, this question is to you. Do you think about others? ab chapter ko respect में रख के answer hai aapko Got it? These are the two questions for you. The third must be ये जो सारे आपकी important words हैं इधर. दिख रहे हैं आपको this exhibit grass cultivation important words हैं. Life में भी use कर सकते हो. Meaning जान लोगे तो टेक्स्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे इनका आपको लिखना है मीनिंग यू विल हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी वर्ड एंड देयर मीनिंग बुक में गिवन है बिल्कुल आपको डेफिनेटली आपके इस तरीके से मीनिंग्स गिवन होते हैं ओके सो यू विल राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एंड विल ट्राई टू रीड द चैप्टर अगेन सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि हम चैप्टर को फिर से रीड करने की कोशिश करेंगे और कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे कि मैम ने कितना पढ़ाया और हमें कितना समझ आया ओके सो दिस इज़ द क्लास फॉर टुडे। आई होप दैट यू लाइक द क्लास आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स बाय बाय